अब तक आपने देखा? आरती समाप्त हुई, अपने अपने घर जाइए, प्रसादी वहीं मिल जाएगा। नमस्ते। औरत लखन ठाकुर, लखन ठाकुर कपड़े तो हम ही लिए रहे, ये सब करने को हमसे कहा गया था। अब देखिए आगे। किसने बोला था? कौन बोलेगा? अरे हवेली में आपका और पूनम ठकुराइन का कोई दुश्मन थोड़ी है। अरे नौकर लोग हैं, जौन ठकुराइन बोलेंगी वही तो सुनेंगे। अब पूनम जी ने खुद ही बोला होगा कि जाओ ले जाओ सारा कपड़ा धोने के लिए, फिर ही का करे। हमको क्या लगता है, दुल्हन ने ना खुद ही अपने सारे कपड़े जो है धोबी को देकर भूल गई। हाँ। अरे चलिए हम अनपढ़, लेकिन पूनम ठकुराइन तो इंटर पास है, उनको तो पता ही होगा ना कि जब चूहा कपड़े पे लौटता है तो कपड़ा धोना पड़ता है, नहीं तो बीमारी फैल जाती है। अब वही कपड़ा डालती होंगी और अब घर में सबको बताने से डर रही होंगी, और आप हैं कि जाकर पूनम ठकुराइन से पूछने के बजाय ई वफादार नौकरों पे अपना गुस्सा निकाल रहे। ए सुनो जाओ तुम, जाओ माफ कीजिएगा लाखन ठाकुर, लेकिन हम घर की बात ना नौकरों के सामने नहीं करना चाहते थे, इसलिए सबको भेज दिया। आप जरा सोचिए कि अगर पूनम ठकुराइन के पास कपड़ा नहीं था पहनने के लिए तो वो हमसे नहीं कह सकती थी, अरे हमारी छोड़िए माया भाभी से नहीं कह सकती थी, चलिए सबकी छोड़िए अपनी सास से नहीं कह सकती थी। हाँ लेकिन उसको इस परिवार का मान सम्मान का फिक्र हो तब ना। आज तो बड़ी अम्मा ने सबको चुप करा दिया, नहीं तो आज सारे मेहमान ना ठाकुर परिवार की बहू को जीन्स पैंट और शर्ट में देख के उल्टे पैर वापस चले जाते। आज बहुत बात करते लोग, काहे कि पूनम ठकुराइन इस घर की बहू, बेगूसराय वालों की बहू थोड़ी, वो तो बाहर जाके सब बातें करेंगे, एक का सौ बताएंगे। पूजा के साथ ना लोगों की श्रद्धा जुड़ी होती है, भगवान की आरती के साथ कुछ अशुभ होता देख कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता, और इसलिए वो सारे के सारे जो यहां से गए हैं हमारे घर की बातें भी करेंगे और ठाकुर परिवार की इज्जत भी उछालेंगे। वाह, जिसका खुद का कोई इज्जत नहीं है इज्जत की बात कर रहा है। सराफत का चोला पहन लेने से सराफत नहीं आती बिंदिया भाभी, ठीक वैसे सोना अगर कीचड़ में गिर जाए तो अपना मोल नहीं खोता। तो पूनम वो सोना है जो अगर कीचड़ में भी गिर जाए ना तब भी आपसे ज्यादा इज्जतदार रहेगी। समझी? दरोगा जी। जी खबर तो पक्की है ना? हाँ भैया यहीं से गुजरेंगे वो लोग। छोटे मालिक आपको यकीन है कि यही सही तरीका है उसे बात करने का? साम दाम दंड भेद हर कोशिश करके देख लिया हमने, अब तो ये जोखिम हमको लेना ही होगा। लेकिन वो लोग अब तक आए क्यों नहीं?
सिपाही जी। दरोगा सिपाही का लाया हुआ इन्फॉर्मेशन कभी गलत निकला है भैया जी? दरोगा सिपाही गाड़ी क्यों रोक दी मैडम? संदीप देख क्या रहे हो? अविनाश को फोन करो जल्दी से। हेलो, हनुमान नगर चौकी, मैं इंस्पेक्टर संदीप बोल रहा हूँ। हमें प्रियो में उसके आदमी ने रोक लिया है, अब जल्दी से एसपी साहब को खबर कीजिए। प्रणाम। हम अगर खून खराबा चाहते हैं तो अभी यहाँ लाशें बिछी होती हैं। हम बस दो मिनट तुमसे शांति से बात करना चाहते हैं। ले लो, तुम्हारा ही है ना? हमारे घर पे छूट गया था। हमको एक बात बताओ, अगर तुम्हारी मम्मी को चोट लग जाए तो तुम क्या करोगी? नहीं नहीं, हमारा मतलब अगर कहीं तुम अपनी मम्मी के साथ मंदिर जाओ और मंदिर की सीढ़ियों पर मम्मी का पैर फिसल जाए तो क्या करोगे तुम? हम उन्हें सहारा देकर घर लेके जाएंगे, उन्हें मलहम लगाएंगे ताकि उन्हें दर्द ना हो। बहुत प्यार करती हो ना अपनी मम्मी से? हम भी अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं और हम जानते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। शायद कहीं ना कहीं तुम्हें भी ऐसा ही लगता होगा, है ना? सच सच बोलो, क्या तुम नहीं चाहते कि असली गुनहगार पकड़ा जाए और उसको सजा मिले, जिसने वाकई में तुम्हारा किडनैप किया हो? तो प्लीज सच बताओ, क्या उस दिन तुमने हमारे पापा को देखा था तुम्हें किडनैप करते हुए? नहीं, हम पर पीछे से हमला किया और फिर हमें बोरी में बंद कर दिया गया था। कुछ तो सुना होगा, कोई आवाज, तुम्हारा अपहरण करने वाले की कोई ऐसी बात जो तुम्हें याद हो, कुछ भी? हाँ, हमने चूड़ियों की आवाज सुनी थी। शाबाश, और कुछ? क्या हो रहा है ये सब? हाँ, बिना हमारी इजाजत के हमारी मां और बहन को रोकने की हिम्मत कैसे की? देख क्या रहे हो, मां और रोशनी को घर पहुंचाकर हमें फोन करो। जाओ यहां से। बस आपकी बहन प्रियम ठाकुर, बस अब एक शब्द नहीं सुनना चाहते ना। बाहुबल बेगूसराय के लोगों पर दिखा,
पुलिस वालों पर नहीं। तो तुम्हारे भले के लिए तुम्हें एक हिदायत देते हैं कि आज के बाद हमारे परिवार से 1000 फीट की दूरी बनाए रखना, वरना तुम्हारा वही हाल होगा जो तुम्हारे पिताजी का जेल में हो रहा है। हमने कहा था ना प्रियम बाबू, आखिर बात गई काका। सुना नहीं एसपी की बहन ने क्या कहा कि किडनैपिंग के वक्त उसने चूड़ियों की आवाज सुनी, यानी पापा का दुश्मन कोई औरत है। क्यों? बड़े ठाकुर तो औरतों की बहुत इज्जत करते हैं। अब इसी बात की तह तक पहुंचना है हमको। जिसका खुद का कोई इज्जत नहीं, इज्जत की बात कर रहा है सराफत का चोला पहन लेने से, सराफत नहीं आती बिंदिया भाभी। लाखन ठाकुर की हिम्मत कैसे हुई हमको ई कहने की कि हमारी कोनो इज्जत ही नहीं है? हमको बेइज्जती की जिंदगी किसने दी? इन ठाकुर परिवार ने। हाँ बिटिया रानी, क्योंकि तुम इस घर परिवार की बस नाम की रानी हो, सिर्फ नाम की। अरे इज्जत और सम्मान तो तुम्हारा इस घर में नौकरानियों जैसा भी नहीं है। हाँ तभी तो, अरे तभी तो लाखन ने देखो तो सही सबके बीच कितना कुछ सुना के रख दिया तुम्हें। वो हमको कहता है कि हम गंदा कीचड़ है और वो पूनम वो सोना है। उस पूनम को ऊपर उठाने के लिए कि सब आपको कितना नीचे गिराते हैं। हमारा जी करता है कि इस पूनम का गर्दन बदल के रख दे, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। हाँ, और अपना मकसद खत्म। नहीं का तुम चाहती का हो बिटिया, पूनम को मारकर जेल जाना चाहती हो का तुम? तो फिर का करे? अरे तो हम बता रहे हैं ना का करे और का ना करे। ये जो तुम्हारा गुस्सा की आग है ना आग, तनिक संभाल के रखो बिटिया, संभाल के, और इससे अपनी ताकत बनाओ, ताकत, और फिर इसी ताकत को एक नई दिशा देकर इस ठाकुर परिवार को तार तार कर डालो। अरे धज्जियां उड़ा डालो इनकी और तोड़ डालो इनकी एकता। क्या समझी? प्रणाम प्रियम ठाकुर। बहुरानी हम जात हैं। ये सब क्या है बिंदिया? कपड़े तो हम ही लिए रहे, लेकिन हमारी कोई गलती नहीं है, हमको माफ कर दो। जाकर पूनम ठाकुरानी से पूछने के बजाय ये वफादार नौकरों पे अपना गुस्सा निकाल रहे। ऐ सुनो, जा तुम। उनमी ने बिंदिया की मर्जी के खिलाफ जाकर हमें कोठरी से बाहर निकाला था। गणेश जी की आरती भी हमने पूनमी से ही करवाई। हो ना हो, इन्हीं बातों का बदला लेना चाहती है वो पूनमी से, और देखा भी पुन्नी के खिलाफ बिंदिया का ही साथ दे रही। बड़ी अम्मा चाय जी। जी चाय लीजिए ना, दुल्हन कब से खड़ी है चाय का कप लेकर। कहाँ सोच रही है आप? बड़ी अम्मा हम आज खाने में क्या बनाए? आज लाखन की पसंद का खाना बनेगा।
उन्मी का साथ देकर उसने हमें बहुत खुश किया है। फिर तो हम गुलाब जामुन बनाएंगे, बहुत भाते हैं लाखन को, क्यों पुन्मी? जी हम अब भी ये समझ नहीं पाए कि लाखन ठाकुर ने हमसे कुछ कहा क्यों नहीं, वरना हमारी गलती हो या ना हो वो हमेशा हमको सजा देते। पूनम यहाँ आओ। हमारे साथ चलो। क्यों बंद करें? सवाल बहुत करती हो तुम। लो पहन कर आओ। लाखन ठाकुर हमें ऐसे कपड़े पहनने को क्यों बोल रहे? क्या ये इनकी कोई नई सजा है हमारे लिए? कहीं ये हमें परखना तो नहीं चाहते कि हम ऐसे कपड़े पहनते हैं या नहीं? अगर हमने इनके कहने से ये कपड़े पहन लिए तो जाने वो खुश होंगे या नाराज। ये भगवान हम क्या करें, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या चाहते हैं लाखन ठाकुर हमसे? एक मिनट, बाहर मत आना। अब आ सकती हो।
लाखन ठाकुर घबरा कह रही हो? हम तुमको खा जाएंगे का? अच्छी लग रही हो। बहुत अच्छी लग रही है और ये कपड़े बहुत जच रहे हैं तुमसे।